बैठू। इस कुर्सी का तो तू हकदार है नहीं, फिर बेटी का? मुझे 5 करोड़ चाहिए। तुझ जैसे छोटे आदमी के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। क्यों चाहिए इतना पैसा? गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना है। 6 करोड़ वापस दूंगा। कैसे? सीक्रेट है। झूठ बोलने का सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोल दो। भैया जी, पैसे तो मेरे वापस आ ही जाएंगे। 6 महीने बाद रोकड़ा चाहिए, फिर प्रॉफिट। 5 कोका लेके आओ। ये रोकड़ा सिर्फ हॉस्पिटल बनने के ही काम आना चाहिए, और कोई भी छोटा बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं दिखना चाहिए। किसी बेगुनाह की जान भी नहीं जानी चाहिए, वरना ये तो सुना ही होगा, एंड माय रेड सेल गेट्स हॉट, आई विल किल यू विद सॉल्ट, एंड योर वाइफ विल बी विडोज, एंड योर चिल्ड्रन फादरलेस। भाई बलवा, कैसे पता? अंग्रेजी श्लोक लगा इसलिए। शेर सिंह, तू जितनी अंग्रेजी बोलता है ना, उससे ज्यादा अंग्रेजी तो मैं पी जाता हूँ। गिनेगा? तेरी जुबान तेरे इरादों की तरह पक्की है, गिनने की कोई जरूरत नहीं। हुकूमत दिलों पे राज करने से मिलती है, वरना ताश तो गली के मुर्गों के सिर पे भी होते हैं। जो जमीन पे सोता है वो कभी गिरता नहीं। अपनी औकात में रहना और एक पैसा साफ जगह लगाना, समझा? पैसा बड़ा या इज्जत? जितना पैसा उतनी इज्जत। भैया जी, ये शेर सिंह ना गलत काम करता है, न करने देता, ये क्या क्या डॉन है? मैं और शेर सिंह अनाथ थे, खाने को हवा के अलावा और कुछ नहीं था। रोटी के लिए जूठे बर्तन धोए, मजदूरी की बोझ ढोया हमने। हमारा बचपन शेर सिंह ने तय किया कि किसी और का बचपन खाक नहीं होगा। उसने बुरे के साथ बुरा किया और उनसे लिए पैसे गरीब और अनाथ बच्चों में लगा दिए। लेकिन मुझे शरीफ बनने का कोई शौक नहीं, और जब मेरी शक्ल ही सैतानों जैसी है तो काम शरीफ वाला कैसे कर सकता हूँ? शेर सिंह को मार देंगे। शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। आज वक्त मेरा है और आज हुकूमत भी मेरी हुई। अरे यार, वो चर्च का कंसाइनमेंट आने वाला था ना, क्या हुआ? जल्दी बैठ। और बच्चों को उठाओ, शाम से पहुंचाओ मुंबई। बेचारे से दिखते हैं, ज्यादा भीख मिलेगी। धंधे की रफ्तार बढ़ाओ। भैया जी, बाप है इस धंधे का। इस बार माल कड़क है। मौत का सौदा कितना? शेर सिंह को मारने के लिए जिगर चाहिए।
अबे क्या खाता है बे? कहा था ना शेर को मारने के लिए जिगरा चाहिए। ये लंबू कहाँ रह गया और क्या हाल बना रखा इस जगह का? लंबू लंबा लेट हो गया। शेर सिंह तू? मैंने तुझे अपने पर्सनल हाथों से मारा था। खौफ तो आवारा कुत्ते भी मचाते हैं लेकिन दहशत शेर की रहती है। मरता क्यों नहीं है? बच्चे को स्कूल में डाल दिया है, अब उसके भविष्य की चिंता मत करना था। भैया हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, हमें मालूम है कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर हम कभी आपके काम आ जाएं, तो ये आसान उतर जाएगा भैया। तू कंफ्यूजन में ही मर और मरने के बाद भी ये सोचता रहे कि मैं मरा क्यों नहीं।